नमस्कार, मैं पावनी जोशी IIT मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। IIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल में ड्रोन का भारत में भविष्य विषय पर चर्चा का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य वक्ता बेटर ड्रोन के को फाउंडर कनव कुमार रहे। उन्होंने बताया कि ड्रोन को लेकर इस समय दुनिया भर में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और इसका इस्तेमाल एम्बुलेंस, फसलों पर दवा छिड़काव, सामान डिलीवरी और हवाई हमलों के लिए किया जा रहा है। Designed by me, but came from USA to fabricated and all these things. This frame is made of 8 layer of carbon fiber and 2 layer of graphene to give it strength. This particular frame goes up to speed of 120 km per hour. Okay, and this is one of the lightest, lightweight, 450 grams only. What is the RPM of this frame? Sir, a single motor when we give full throttle goes to 18,000 RPM. IIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक डॉक्टर के सैनी ने ड्रोन की उपयोगिता को देखते हुए उसे सही दिशा में उपयोग करने का संदेश दिया। Kindly grab this opportunity. If someone is going to say you are a drone, this technique is going to play a very vital role in coming time. And it will be one of the very important part of IoT. Internet of Things. रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेल के हेड डॉक्टर ए के भारद्वाज ने भी ड्रोन पर चल रही अनेक तरह की खोज पर चर्चा की। प्रोफेसर एस के महाजन ने कार्यक्रम का समापन करते हुए ड्रोन से मानव जीवन के कार्यों में आने वाली आसानी के बारे में बताया।